Hey guys, welcome to today's blog. और आज हम एक जगह पे घूमने जाने वाले हैं. We are going to take a drive, which is something around 50 kilometers from our place. And हम आज जाने वाले हैं चंदननगर. चंदननगर वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड एक जगह है. तो चंदननगर जाने से पहले चंदननगर का हिस्ट्री आपको थोड़ा बता दूं. चंदननगर एक्चुअली जो था ये एक फ्रेंच कॉलोनी था. फ्रेंच का मेन मोटो था बिजनेस. फ्रेंच लोग आए थे, कॉलोनाइजेशन किए थे कुछ एरिया में. स्पेशली आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल के किनारे का जो एरिया है इंडिया में, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, पांडिचेरी, सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्रा, समुद्र के किनारे जो एरिया था, छोटे छोटे जगह पे उन्होंने कॉलोनाइजेशन किया था. बिकॉज देयर मेन मोटो वाज़ टू डू बिजनेस. वैसे ही चंदननगर एक कॉलोनी था फ्रेंच. आज भी जाते हैं तो वहाँ पे कुछ फ्रेंच कंस्ट्रक्शन दिखते हैं. फ्रेंच कल्चर का भी टच है और यहाँ तक कि वहाँ के लोकल स्कूलों में भी फ्रेंच सिखाया जाता है. और ये जो फ्रेंच कॉलोनी था चंदननगर, ये काफ़ी हद तक डैमेज हुआ था फ्रॉम द ब्रिटिश साइड अटैक ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर. तो काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे. But after a certain period of time, again it was been given back to France. And आज जब जाएंगे वहाँ पे हम लोग जाएंगे चंदननगर स्टैंड कैथेड्रल. Is it a cathedral or it's a church? Church. Okay. और एक कुछ वहाँ पे famous houses है वो भी आपको घुमाते हैं. चलिए बने तो चलते हैं अभी. और पीछे से आप देखिए, और पीछे से ये ठोक ठोक करते हुए चंदननगर विच इज फेमस इज जगदात्री पूजा. जगदात्री आइडल्स आर सच बिग, आई मीन इफ यू लुक एट इट यू विल गेट सिंपली स्टन्ड. सच ह्यूज आइडल्स हैव बीन मेड ओवर देयर. আপনারে জগদ্ধাত্রী পূজার সময়তে একবার আমরা যাব চন্দননগরে, বারে দেখা যাক কি হয়, পরিস্থিতি কি রকম থাকে. আর নেক্সট থিং which is famous in চন্দননগর is the চন্দননগর stand. Feel like you are somewhere in France or something, because Chandannagar was a French colony, and that effect still it resembles, you know. The architecture over there are like a French style. वहाँ का atmosphere देख के लगेगा. It has some effect of France still. वहाँ पे दिखा दीजिए, इस तरफ कैलकटा चला गया और हम सीधे चले गए डानकुनी की तरफ. और डानकुनी होके हम लोग अंदर दिल्ली रोड पकड़ेंगे. दिल्ली रोड होके जाएंगे चंदननगर. जाने का दो रास्ता है, एक तो है दिल्ली रोड लेके जा सकते हैं, दूसरा है जीटी रोड. जीटी रोड एक्चुअली थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, इसीलिए हम आउटर से जाना पसंद करते हैं. दिल्ली रोड खाली रहता है, उतना भीड़ नहीं रहता, खाली गया सब जगह पे ट्रक्स है अभी. अब हम दुर्गापुर एक्सप्रेस वे छोड़ के दिल्ली रोड की तरफ आ गए. ये देखिए ये नया फ्लाईओवर बना है, ये शायद मैं ही पहली बार दिखा रहा हूँ. पहले नीचे से गड्ढा हुआ करता था और रास्ता बहुत टूटा फूटा था. अब देखिए कितना स्मूथ फ्लाईओवर बन गया है दिल्ली रोड के ऊपर. डानकुनी का फ्लाईओवर बन गया है, काफी स्मूथ हो गया है, वरना नीचे पड़ने थे जाम भी.
हाँ तो मेरा ड्राइविंग का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? Do you know this story? नहीं नहीं बताओ बताओ। बचपन में जब मैं भूटान में था तब वैकेशन पे जब हम लोग कलकत्ता वापस आते थे कई बार हम लोग बस से आते थे। भूटान से एक बस चलता था भूटान टू कलकत्ता, भूटान बस भी बोला जाता था। और दूसरा ऑप्शन होता था रॉकेट, नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट का बसेस जो चलता था रॉकेट बस कहा जाता था। तो इन सब बसेस से कोलकाता से फुंशोलिंग या भूटान से हम लोग कलकत्ता आते थे। और ये जर्नी मेरे को मतलब मेरे दिमाग में बैठ गया बचपन से। ड्राइविंग फॉर सो लॉन्ग, 500-600 किलोमीटर का रास्ता हुआ करता था। और उन दिनों में भूटान बस जो था ये सबसे लग्जरी बस हुआ करता था। आज के डेट में जैसे वॉल्वो है, तब तो वॉल्वो नहीं था, प्रोबेबली वो अशोक लेलैंड का कोई बस था। तो एंड द स्पीड, तो वो जो बस का रूट है वो जो लोग इस रूट में आते जाते हैं उनको पता है कि वो कैसा रूट है। उस रूट में बसेस जो चलते थे उस ज़माने में, ड्राइवर जो था ब्रिक्स लेके बैठता था, एक्सीलेटर के ऊपर पत्थर रख देता था, रात इतना जोर चलता था बस। तो दोज ड्राइवर इज टू बी माय इंस्पिरेशन बचपन में, वो मेरे लिए हीरो थे। इतने जोर बस चलाते थे और तभी से मेरा शौक हो गया कि मेरे को भी ट्रक चलाना है। চন্দননগর কে খাবে
तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है बता दूँ, ये जो है दही है, ये गुड़ का दही है, जो जैगरी का एसेंस रहता है, ये है रोशमा माधुरी, और ये है एक्चुअली आम शॉर्ट तो बोला जाता है, आम शॉर्ट तो रोल, आम शॉर्ट तो मीन्स जो कि प्रिपरेशन किया जाता है आम के साथ, इसको क्या कहते हैं, आम पापड़ी रोल कहा जाता है तो इसको। आगे जाके आपको डिटेल में दिखाएंगे दुकान से भी। फिलहाल दिस इज़ द हॉस्पिटलिटी ऑफ बंगाल, जहाँ पे भी आप जाएंगे यू विल बी ट्रीटेड विद स्वीट। रेडी? हाँ। तो अभी हम आ गए हैं चंदन नगर। चंदन नगर में तुतुन भाई के घर पे बोनोश्री और बनी को छोड़ के अभी हम लोग लोकल एरिया एक्सप्लोर करने निकले हैं। और बाय द वे आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, यह है तुतुन, वो है तानिया, और ये दोनों हमारे साली के बेटा और बेटी हैं, बोनोश्री के बड़ी बहन। तो भाई साहब तूतुन अभी चले स्कूल में, स्कूल तो बंद है, भाई साहब ने एग्ज़ाम दिया है और उसका शायद रिजल्ट लाने जा रहे हैं क्या? टीसी लाने। ओके, सो हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट? वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, ग्रेट। আমাদের চন্দননগরের যেটা ঐতিহ্য জগদ্ধাত্রী পুজো, তার প্রিপারেশন শুরু হয়ে গেছে এখন থেকেই। হাত খোলা মনসা দালা। अभी है अगस्त और जगदात्री पूजो है नवंबर में, तो आप सोच सकते हैं कितना ग्रैंड ओकेशन होने वाला है। अभी से प्रिपरेशन शुरू। ये जो स्ट्रक्चर है इसको देख के आप समझ सकते हैं कितने बड़े प्रतिमा बनते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये प्रतिमा तैयार हो रहा है जगदात्री पूजा के लिए प्रिपरेशन। हाइट देखिए देवी का। ये जगह नाम की तुझे? हाटकोला मनसा तला। हाटकोला मनसा तला। और चलते हैं अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? चंदनगर स्टैंड, लेट्स गो। तानिया अंदर बैठी है और स्टैंड की तरफ जाते हुए ये जो मंदिर है काफी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, यहाँ पे मत्था टेक के आगे बढ़े। और फाइनली हम स्टैंड की तरफ पहुंच गए हैं। यहां से स्टार्ट होता है चंदननगर स्टैंड। आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है, इसका लाइटिंग, बैठने का जगह, बेंचेस और ग्रीनरी ऑल अराउंड। ये गंगा नदी के किनारे है और यहां का माहौल सही में बहुत ही सुंदर है। और क्योंकि हम लोग दोपहर को आए हैं तो ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं यहाँ पे। वैसे टाइम को ही टारगेट करके आया था क्योंकि अपने को ज़्यादा भीड़ में जाना नहीं है। शाम के वक्त काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी स्टॉल्स लगते हैं, फास्ट फूड के लाइन से स्टॉल्स, सब कुछ मिल जाएंगे खाने के लिए। और देखिए आगे दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे आके मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि काफ़ी लोग आए हैं बाहर से, यानी कलकत्ता से गाड़ी लेके लोग यहाँ पे आए हैं देखने के लिए इस जगह को, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन काफ़ी डिस्ट्रप्टेड है ड्यू टू कोविड सिचुएशन, तो अपना पर्सनल कार लेके भी काफ़ी लोग आते हैं। वैसे अगर ट्रेन से आना हो तो हावड़ा से लोकल ट्रेन मिल जाता है, कम से कम एक डेढ़ घंटा का जर्नी है बाई लोकल ट्रेन। यू गेट डाउन एट चंदननगर स्टेशन और वहाँ से टोटो लेके आ सकते हैं। बाई रोड आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, बाई जीटी रोड या डेली रोड। और यह है स्टैंड का मेन एरिया टाइटैनिक पॉइंट। चंदननगर पहले एक मेन बिजनेस हब हुआ करता था वेस्ट बंगाल का, जब ब्रिटिश अटैक किया इनको उससे पहले, क्योंकि ब्रिटिश ने अटैक करके इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पे चंदननगर का नाम पड़ा चंदन काट का, कुछ लोग कहते हैं कि व्यापार होता था तो सैंडलवुड के लिए चंदन से चंदननगर बन गया।
कुछ लोग कहते हैं चौंडी देवी का जो मंदिर है उससे इसका नाम पड़ा चौंदनगर। और एक कहावत है जो कहते हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ पे गंगा नदी जो है चांद की तरह एक टर्न लेता है, तो उससे इस जगह का नाम पड़ा चांद का नगरी चौंदनगर। तो तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर ले सकते हैं कि इस जगह का नामकरण कैसे हुआ। और यहाँ पे एक टाइटैनिक जैसा पॉइंट बना हुआ है, वो अभी फ़िलहाल ब्लॉक किया हुआ है, वहाँ पे जा नहीं सकते। अगर वहाँ जाते तो शायद अच्छा व्यूज़ मिलता। और चौंदनगर के उस पार है, नदी के उस पार है बैरकपुर। और बैरकपुर का भी एक बहुत पुराना इतिहास है। फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश स्टार्टेड फ्रॉम बैरकपुर। कभी जाएंगे आपको बैरकपुर भी दिखाएंगे। थोड़ा जूम करके देखते हैं उस पार नदी का कैसा दिखता है। वैसे ग्रीनरी यहाँ पे सब जगह है, नदी किनारे ग्रीनरी, प्रोबेबली उस तरफ भी पार्क है। काफ़ी अच्छे से सजाया गया है, बिकॉज बैरकपुर का भी नदी किनारा काफ़ी डेकोरेटेड है, वेल मेंटेन्ड है। और अभी हम चौंदनगर चर्च की तरफ जा रहे हैं। ये आगे आप देख सकते हैं चर्च दिख रहा है अपने को। यहाँ पे लाइन से पार्किंग लगा हुआ है, तो प्रोबेबली जो स्टैंड में घूमने आते हैं या किसी काम से आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग का जगह है बाइक्स का। लेफ्ट राइट है, राइट है, राइट है। गाड़ी तो लेफ्ट रखा जाएगा, नीचे राइट रखा जाएगा। तो तुम्हें नाटबे तू नाटबे। हां हां, ये तो बाहर थे के माने। अब हम स्टैंड देख लिए, चौंदनगर चर्च देख लिए, अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग जाने वाले हैं यहाँ का मिठाई टेस्ट करने। तो चलिए हमारे साथ यहाँ का मिठाई का स्वाद लिया। तो ये दुकानटार फेमस की ये तो जोरे बोलते हो जलबड़ा। लेट्स गो। जलबड़ा इट मींस लाइक ये संदेश का ऊपर का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जैगरी का कुछ लिक्विड रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है जॉल बॉर्डर। एंड दीज आर द साइजेस यू कैन सी, देयर आर टू साइजेस, वन इज बिग वन, अदर वन इज द मीडियम वन। द फन फिल पार्ट इज दैट वंस यू क्रंच इट, आउटसाइड पार्ट इज हार्ड, वंस यू बाइट इट यू विल गेट अ सिरप इनसाइड इट। और अब हम चले एक दूसरे मिठाई के दुकान पे, इसका नाम है बाबा पोंचन और मिस्कान रूपांडर। तो यहाँ का कुछ और मिठाई फेमस है, जैसे हो गया रसो माधुरी, या एक और मिठाई है आपको दिखाते हैं। रसो माधुरी बहुत ही स्वादिष्ट है, मैंने इसको ट्राई किया था, आपको दिखाता हूँ इसका फोटोग्राफी। কত করে? और दूसरा मिठाई है खोईड़ा भोग। उन्हें दूध दिया था, आपने देखा हम लोगों ने जो मिठाई लिया था वो पैक हो जा रहा है। आज गए एतटाई,
এবারে বাড়ি যাব, বাড়ি গিয়ে লাঞ্চ করব, চান করে লাঞ্চ করে, এন্ড দেন উই উইল ড্রাইভ ব্যাক টু চন্দন। তো চন্দননগরে অনেক জায়গা আমাদের মিস হয়ে গেছে, অ্যাকচুয়ালি বন্ধ ছিল, যেমন মিউজিয়াম আছে চন্দননগরে, তারপরে পাতালবাড়ি, এইসব জায়গাগুলো অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেসেবল নয় এখনো বিকজ অফ কোভিড সিচুয়েশন, এগুলো বন্ধ আছে, তাই তো? আর চন্দননগরের যে ফ্রেঞ্চ কলোনাইজেশনের যে প্রভাবটা ছিল সেটা এখনো পর্যন্ত আছে, তাই না? স্কুলে, লোকাল স্কুলে বোধ হয় এখানে ফ্রেঞ্চ শেখানো হয়, ফ্রেঞ্চ শেখানো হয়, ফ্রেঞ্চ মাস্ট, এন্ড দ্যাট ইজ মাস্ট, আই সি। तो आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।